अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया वृक्षारोपण का महाअभियान काठीकुंड। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे महावृक्षारोपण अभियान के तहत 20 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक शनिवार को अंतिम दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काठीकुंड नगर इकाई सह जिला संयोजक झंटू कुमार पाल की उपस्थिति में नगर मंत्री आभास पाल की अगुवाई में प्लस टू उच्च विद्यालय और जगन्नाथ मिश्रा इंटर कॉलेज परिसर में 2 दर्जन से अधिक फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे शामिल थे। मौके पर उपस्थित प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र पासवान ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की कदम सराहनीय है। जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। वहीं जगन्नाथ मिश्रा इंटर कॉलेज के प्रोफेसर अमरेंद्र झा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छी पहल पर्यावरण हित राष्ट्र हित में हो रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। मौके पर पूर्व नगर मंत्री अमित मंडल, राहुल कुमार, अंश भंडारी, झूलन मंडल, विभाष पाल, मानु मंडल, संजय पाल, संतोष मंडल सहित विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के साथ शिक्षक लोग उपस्थित थे। अब मैं हमारे दुमका जिले के जिला संयोजक झंटू जी से अनुरोध करता हूँ कि इस महाअभियान के बारे में दो सब कहें और हम सबको अनुगत करें। दुमका जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद आज पूरे देश भर में 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक महावृक्षारोपण अभियान चल रहा है। इसी निमित्त काठीकुंड इकाई द्वारा आभास पाल, नगर मंत्री आभास पाल के नेतृत्व में प्लस टू परिसर में हम लोगों ने 10 से 12 वृक्षारोपण किया है और फलदार तथा ऐसे अन्य वृक्ष शामिल है। और मैं इस माध्यम से, इस अभियान से मैं यही बताना चाहता हूँ कि वृक्ष हम लोगों को भले दो ही लगाए, लेकिन उससे उसको बढ़िया से रखिए, अच्छा से रखिए, ताकि वो वृक्ष कल दिन बड़ा हो कि हम लोगों को ऑक्सीजन दे, फल दे। इसी निमित्त मैं आज काठीकुंड प्लस टू परिसर में वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुआ हूँ तथा मैं आग्रह करूँगा कि प्लस टू के प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र सर से कि हमें 2 शब्द बोल के हमें संबोधित करें। विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र नेता एवं प्राधिकारी हमारे विद्यालय कैंपस में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। वृक्षारोपण का कार्य बहुत ही पुण्य कार्य है और यह पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बढ़िया साधन है। आने वाले समय में जिस तरह से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उससे पर्यावरण प्रदूषण पे काबू हेतु वृक्षारोपण सभी नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष जो है वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन जो है सो प्राण वायु है। तो प्राण वायु के लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्षारोपण सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है और इसे सबको सामूहिक प्रयास के रूप में लेना चाहिए, है ना। और जहाँ भी जगह मिले, जहाँ पर भी सार्वजनिक जगह है, उसका उपयोग वृक्षारोपण में करना चाहिए और उसका देखभाल करना चाहिए। ऐसा ना है कि वृक्ष लगा करके लोग भूल जाएं, उसका सेवा करें, है ना, उसको पाल पोस कर बड़ा करें, उसके छांव में आने वाले पीढ़ी को आराम मिलेगा, है ना, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूले।